ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह जी, ऊर्जा सचिव श्री अजय भल्ला जी, पेट्रोलियम सचिव श्री कपिल देव त्रिपाठी जी, ONGC के CMD श्री DK शराब जी और उपस्थित सभी महानुभव और दूर दूर वीडियो लिंक से जुड़े हुए भी ONGC के सभी साथी, आज एक साथ तीन पवित्र अवसरों की त्रिवेणी का संयोग बना है। आज नवरात्र का पांचवा दिन है और इस दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। स्कंद माता के आशीर्वाद से नवरात्र के इन दिनों में देश की महिलाओं की सुरक्षा और उनकी जिंदगी से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण योजना की आज शुरुआत हो रही है। आज ही श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है और आज ही देश को दीनदयाल ऊर्जा भवन भी मिल रहा है। पर्यावरण के अनुकूल और बिजली की कम खपत वाली इस ग्रिड बिल्डिंग का लोकार्पण करते हुए मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। मुझे बताया गया है कि इस समय ONGC के हजारों कर्मचारी विशेष रूप से वीडियो लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये जब भवन मुझे मैंने देखा तो मेरे मन में विचार आया, काश अच्छा होता प्रधानमंत्री बनने के बजाय यहां आता। लेकिन खैर, बहुत सी चीजें हैं जो मेरे नसीब में नहीं है। मैं आप सभी को इस भव्य भवन के लिए बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज एक तरह से देखें तो यहां पर आध्यात्म, आस्था और आधुनिक तकनीक तीनों ही क्षेत्र ऊर्जा से जगमग रोशन है। भाइयों और बहनों, पिछले वर्ष आज के ही दिन से दीनदयाल जी जन्मशती वर्ष के निमित्त हमने गरीब कल्याण वर्ष का आरंभ किया था। सरकार ने तय किया था कि एक साल तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मशती वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाएगी। आज वर्ष के तौर पर भले इसका समापन हो रहा है, लेकिन गरीब कल्याण इस सरकार की पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। जनधन योजना से लेकर स्वच्छ भारत अभियान तक, उज्ज्वला से लेकर मुद्रा तक, स्टार्टअप से लेकर स्टैंडअप इंडिया तक, उजाला से लेकर उड़ान तक, आपको सिर्फ गरीब कल्याण ही नजर आएगा। किसने सोचा था कि कभी ऐसी भी सरकार आएगी जो 30 करोड़ गरीबों के लिए बैंक के खाते खुलवाएगी? किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो 1 रुपये महीने और दूसरा 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम भर से लगभग 15 करोड़ गरीबों का बीमा उपलब्ध कराएगी? किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो बिना बैंक गारंटी, और ये छोटी बात नहीं है, बिना बैंक गारंटी 9 करोड़ खाता धारकों को 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज देगी? किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी
जो इस बारे में सोचेगी कि महिलाओं को रसोई में धुएं से मुक्ति मिले। किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो इस हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज उड़ सके, इस प्रकार की योजना बना सके। किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो हृदय के ऑपरेशन के लिए स्टेंट की कीमतें कम कर देंगी, घुटने के इम्प्लांट की कीमतें भी कम करेगी और मध्यम वर्ग की पहुंच के भीतर ले आने का प्रयास सफलतापूर्वक करेगी। गरीब का सपना मेरी सरकार का सपना है और गरीब की मुश्किलें, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानी कम करना मेरी सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है। आज इसी कड़ी में देश के करोड़ों गरीब परिवारों से जुड़ी गरीब महिलाओं के से एक बहुत बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक योजना की शुरुआत हो रही है। भाइयों और बहनों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी सौभाग्य। साथियों, स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा घर ऐसे हैं जिसमें बिजली कनेक्शन नहीं है। भारत में कुल परिवार घर 25 करोड़ है, उसमें से 4 करोड़ यानी करीब करीब 20%। आप सोचिए 4 करोड़ घरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी। वे 18वीं शताब्दी में गुजारा कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि आपकी जिंदगी से भी अभी बिजली चली जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। साथियों, 125 साल से ज्यादा तक का समय बीत चुका है जब महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। दुनिया को अपना आविष्कार दिखाते हुए एडिसन ने कहा था, वी विल मेक इलेक्ट्रिसिटी सो चीप दैट ओनली द रिच विल बर्न कैंडल्स, यानी हम बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि सिर्फ अमीर ही मोमबत्तियां जलाया करेंगे। हम सभी के लिए ये दुखद है, अफसोसजनक है कि आज तक देश में 4 करोड़ परिवारों में बल्ब तो दूर बिजली तक नहीं पहुंच पाई है। उन घरों में आज भी मोमबत्तियां जल रही हैं, डिबरी जल रही है, लालटेन जल रही है। उन करोड़ों गरीब परिवारों में आज भी शाम के बाद बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ते भी हैं तो उसी लालटेन की रोशनी में। मैं जब छोटा था मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई की तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो हमें समझाते थे कि आप ये मिट्टी के तेल से जलने वाली बत्ती से मत पढ़ा करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, सांस में सब जाएगा। तो मैंने कहा क्या करूं, तो बोले कैस्टर ऑयल का जो उपयोग करके दिया जलाओ, उस दिए से पढ़ाई करो। तो हमने बचपन में कैस्टर ऑयल के दिए से प्रकाश करके जिंदगी को कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। तब जाकर के मन में लगता है कि 4 करोड़ परिवारों का क्या होता होगा। सुख सुविधाओं की बात छोड़िए, घर की महिलाओं को भी अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है और इसलिए ज्यादातर महिलाओं पर दिन ढलने से पहले ही रसोई का काम खत्म करने का भी दबाव रहता है। घरों में रोशनी नहीं, बिजली कनेक्शन नहीं, तो इसका सीधा असर रास्तों की रोशनी पर भी पड़ता है। अंधेरे में घर से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है, विशेषकर महिलाएं तो जैसे घर में ही बंद कर रहे हैं, उनको गुजारा करना पड़ता है। बिना बिजली के जिंदगी कैसी होती है ये समझना
हमारे आपके उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसके पास बिजली का कनेक्शन है। बिना बिजली वाले इन घरों में जब बिजली का कनेक्शन पहुंचेगा तभी उनका भाग्य चमकेगा, तभी उनके लिए सौभाग्य होगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना के तहत सरकार देश के हर ऐसे घर, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो या झुग्गी झोपड़ी में हो, दूर दराज वाले इलाके में हो, उस घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का आज हम संकल्प करके आगे बढ़ते हैं। किसी गरीब से बिजली कनेक्शन के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार गरीब के घर पर आकर बिजली कनेक्शन देगी। जिस बिजली कनेक्शन के लिए गरीब को गांव के मुखिया के घर पर सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, उस गरीब को घर जाकर ये सरकार खुद बिजली कनेक्शन देगी। बिना एक भी रुपया लिए बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। देश के हर गरीब के घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। 16,000 करोड़ रुपया का ये जिम्मा उन परिवारों की जिंदगी में एक नई रोशनी लाने के लिए है। हमने तय किया है कि इसका बोझ किसी गरीब पर नहीं डाला जाएगा। इस सरकार ने गरीब को यह सौभाग्य देने का संकल्प किया है। गरीब को सौभाग्य का संकल्प हम सिद्ध करके ही रहेंगे, क्योंकि मेरा आदर्श संकल्प करें लेकिन सिद्ध भी करें। साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज में ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से ही होगा। यानी सरकार की योजनाओं की परख, उनकी पड़ताल इसी आधार पर होनी चाहिए कि उससे गरीब का कितना लाभ होता है। आज मुझे खुशी है कि पंडित दीनदयाल जी के जन्म जयंती पर देश के करोड़ों गरीब परिवारों के सपनों को पूरा करने वाली इतनी बड़ी योजना की शुरुआत हो रही है। घर में बिजली ना होने पर गरीबों और विशेषकर महिलाओं और बच्चों की जिस तरह की दिक्कत आती है, उसे समझते हुए ही सरकार ने ऐसे 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने की ठानी थी, जहां आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। मैंने लाल किले से 1,000 दिन में ये काम पूरा करने के लिए वादा किया था। इन 18,000 गांवों में से अब 3,000 से भी कम गांव ही ऐसे बचे हैं जहां बिजली पहुंचाई जानी बाकी है। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि इन गांवों में भी तय समय के भीतर भीतर हम बिजली पहुंचा देंगे और पहुंच जाएगी। भाइयों और बहनों, मुझे याद है जब मैंने पहली मीटिंग की ऊर्जा विभाग के प्रधानमंत्री बनने के बाद, और मैंने जब जानकारी मांगी तो डिपार्टमेंट ने मुझे कहा था कि साहब ये काम करने में 7 साल लगेगा। मैंने सुन लिया, मैंने कहा कम नहीं हो सकता, वो बिल्कुल उनके दिमाग में था नहीं होगा। मैंने लाल किले से बोल दिया मैं 1,000 दिन में कर दूंगा। और अफसरों का ऐसा है कि अगर आप उनको हिम्मत से आह्वान करें तो वो पूरा भी कर देते हैं, और आज मैं देख रहा हूं उन्होंने कर दिया। भाइयों और बहनों, न्यू इंडिया में हर गांव तक ही बिजली नहीं पहुंचेगी बल्कि न्यू इंडिया के हर घर में बिजली कनेक्शन भी होगा।